हेलो दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हाई प्रोटीन का, बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ ये टेस्टी सोया चंक का पराठा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाएंगे ये टेस्टी पराठा, उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टेस्टी और हेल्दी पराठा हम घर पर कैसे बनाते हैं। 100 ग्राम हम सोया चंक लेंगे, सोयाबीन, उसको हम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। मैंने पहले से यहाँ पे भिगो कर रखा है, सारे पानी को हम इसको निचोड़ कर निकाल लेंगे। और अभी हमें इसे अच्छे से पीसना है, हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम ब्लेंड करेंगे, दरदरा ही ये ब्लेंड होगा। देखिए ऐसे बिना पानी के हमें इसे पीस लेना है और इसको हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम एक कप लेंगे चना दाल, 4 से 5 घंटे पहले मैंने इसे भिगो कर रखा है, हमें इसको भी पीसना है। तो चलिए इसको भी हम दरदरा पीस लेते हैं। देखिए ऐसे हमें इसे पीस लेना है। पीसने के बाद अब हम इसको भी सेम सोयाबीन वाले मिक्सिंग बोल में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐड कर देंगे हम इसको। ऐड करने के बाद अभी हम सारे वेजिटेबल्स और सारे मसाले को इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए थोड़े से प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे हम, लाल शिमला मिर्च डालेंगे, हरी शिमला मिर्च डालेंगे, पीली शिमला मिर्च डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चॉप किया हुआ डालेंगे गाजर, थोड़े से डालेंगे हम इसमें चॉप किए हुए धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधे छोटे चम्मच, और 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, ग्रेट करके डालेंगे 1 छोटे चम्मच अदरक, 1 से 2 डालेंगे हरी मिर्च चॉप करके। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। यह बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है, तो मेरे साथ प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और फिर अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ये घी से, और फिर इसको एक पूरा हाथ भरकर मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इसका बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद हमें इसे डायरेक्टली तवे पे फैलाना है। तो तवा को हम चढ़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे और उसमें डालेंगे हम 1 छोटे चम्मच घी या कुकिंग ऑयल हम डालेंगे। तो अच्छे से हम तेल को फैला लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डालेंगे और हल्के हाथों से, ध्यान रखें हाथ जले नहीं, तो ध्यान से इसको हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाएंगे और इसको हम पराठे का शेप देंगे। देखिए ऐसे हमें इसे फैला लेना है। हम इसके ऊपर से 1 छोटे चम्मच हम तेल या घी डालेंगे और हमें दोनों साइड को 2-2 मिनट करके पकाना है। सो अभी हम 2 मिनट इसको पकाने के बाद इसको हम पलट देंगे, फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया ये। अभी हमें दूसरा साइड भी अच्छे से 2 मिनट तक पका लेना है और ऐसे एक एक करके सारे पराठे को हम रेडी कर लेंगे। आपका तवा बड़ा है तो आप एक साथ 2 या 3 करके बना सकते हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 एक साथ डाल के बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए ऐसे हमने सबको तैयार कर लिया है, इसको सर्व कीजिए सॉस के साथ, अचार के साथ और सैलेड के साथ। ये टेस्टी सोयाबीन पराठा बनकर रेडी है। तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।